Hello children, so today I am back with another video and this is a requested video, The Toy Box from New Modern Oxford English Class 6. So, The Toy Box, it is from Nicholas Horsburgh. So, this story has four main characters and a family which is not a main character, which is not in the scene. Okay, so the name of the characters are Tom, who is narrator, जो कि ये कहानी सुना रहा है, वो टॉम है, उसकी बहन मैटिल्डा, उसके फादर मदर, और बाद में लास्ट में एक नया कैरेक्टर आता है स्टोरी में, A woman. Okay, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं. एक बार एक फैमिली होती है, टॉम की फैमिली, और उन्होंने एक नया घर खरीदा होता है, काफी अच्छा बड़ा सा घर खरीदा होता है. और स्टोरी का नाम टॉय बॉक्स इसलिए है क्योंकि इसमें सारा जो सस्पेंस है वो टॉय बॉक्स के अंदर ही है. तो फिलहाल स्टार्टिंग में स्टोरी के हमें ये बताया जाता है कि ये जो फैमिली है ये शिफ्ट कर रही है एक नए घर में, और शिफ्ट करने से जब वो नए घर में जाते हैं उसके एक हफ्ता पहले वो अपने पुराने घर में जितने भी बॉक्सेस में उन्होंने सामान घर का पैक कर रखा होता है वो उन बॉक्सेस के साथ पूरे घर में खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं. तो शिफ्ट करने से एक हफ्ता जो पहला होता है वो उनका काफ़ी मस्ती भरा होता है. और अब वो गाड़ी में बैठकर अपने पापा मम्मी के साथ दोनों भाई बहन अपने नए घर की तरफ जा रहे हैं. रास्ता डिस्क्राइब किया गया है स्टार्टिंग में कैसा है. ऑल्दो वी वर एक्साइटेड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीइंग आवर न्यू हाउस वी डिड एज वी वर इंस्ट्रक्टेड. मदर हैड टोल्ड अस द वीक बिफोर दैट सूटेबल अकोमोडेशन हैड बीन फाउंड एंड दैट वी वुड बी मूविंग इन टुडे. फादर हैड सेड लिटिल. अब इसके बाद उनका रास्ता बताया गया है कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे दोनों साइड बहुत अच्छा लॉन था और बीच में जो सड़क थी वो थोड़ी नैरो सी थी, पतली थी, भीड़ी थी, और उसमें कुछ ग्रेवल्स थे, छोटे छोटे पत्थर थे जो उनकी गाड़ी के टायर के नीचे आ रहे थे और क्रंची साउंड कर रहे थे. द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटल अर्लियर वर इम्प्रेसिव एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट होते हैं शानदार, बहुत बढ़िया. स्प्रिंग ब्लॉसम्स वर एवरीवेयर. स्प्रिंग ब्लॉसम फ्लावर्स हैं जो हर तरफ थे. बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज एंड बीज बज्ड अबाउट द फ्लावर्स. हर तरफ चिड़िया चहचहा रही थी और मक्खियाँ अच्छे से बजिंग साउंड क्रिएट कर रही थी. तो इट वॉज लाइक बहुत अच्छा खुशनुमा प्लेजेंट सा माहौल था, आसपास सारा सुंदर वातावरण था. But now, as we listened to the crunching gravel with our eyes shut, the suspense became intolerable. अब लेकिन उनका जो जैसे जैसे उन लोगों ने अपना नया घर देखा नहीं था तो उनके लिए एक सस्पेंस था कि हमारा नया घर कैसा होगा. तो अब उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो वेट नहीं कर पा रहे थे कि अपने नए घर को जल्द से जल्द देखें. उनके पापा ने उनसे मना किया हुआ था कि अपनी आईज मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं. तो इस वक्त ये सारी चीजें वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं, सुन के, देख नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं. यू कैन ओपन योर आईज अनाउंस्ड फादर एट लास्ट एज द कार ग्राउंड टू अ हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब होता है रुकना. जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी उनके पापा ने उनसे कहा कि अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं. और आंखें खोलते ही दोनों बच्चों का रिएक्शन सामने आया है. वाओ ब्यूटिफुल सेड मैटिल्डा एज वी लुक्ड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. वाओ स्कैरी सेड आई. आई यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आई है टॉम जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है. अब मैटिल्डा को तो घर बहुत सुंदर लगा और आसपास का सब कुछ बहुत सुंदर लगा बाहर से, लेकिन टॉम का जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन था. टॉम कह रहा है कि ये वाओ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है, स्कैरी लग रहा है. द रैम्बलिंग मैंशन दैट स्टूड बिफोर अस सीम्ड टू टावर इन टू द स्काई. टावर इन टू द स्काई का मतलब है कि बहुत ऊंचा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत बड़ा बंगला है
जिसकी जो बहुत ऊंचा है, आसमान छूता हुआ. इट वॉज इमेंस, इट वॉज ओल्ड एंड टू मी इट सीम्ड स्पूकी. अब ये उनका जो घर है बाहर से डिस्क्राइब किया गया है टॉम के नज़रिए से. टॉम को कैसा लग रहा है? इमेंस, बहुत ही बड़ा, बहुत पुराना भी. उसकी बनावट पुरानी है, शायद वो बहुत पुराना घर है. लेकिन इन सब से हटकर उसको और चीज़ एक क्या लग रही है कि वो घर उसे स्पूकी लग रहा है. स्पूकी थोड़ा सा डरावना या थोड़ा सा भूतिया. देर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हियर, सेड फादर. देर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर, आई हैवन्ट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ. अब उसके पापा कह रहे हैं कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर. यहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. प्लेंटी टू एक्सप्लोर मतलब, एक्सप्लोर मतलब नया कुछ खोजना, निकालना. मैंने खुद ही अभी, ये घर इतना बड़ा है कि मैंने खुद ही अभी तक इसे पूरा नहीं देखा है. आओ हम सब मिलकर घर को अंदर से पूरा अच्छे से देख कर आते हैं. तो वो लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जो टॉम है वो, उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं है घर को देखने की, क्योंकि उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन आया है घर को देखकर वो थोड़ा डर गया है. इसलिए उस बाकी लोग तो फटाफट अंदर चले गए. सबसे पहले वो घुसते ही लिविंग रूम में पहुंचे, लेकिन जो टॉम है उसको इतना कुछ खास नहीं लग रहा. अब उनकी मम्मी उन्हें बताती हैं कि उन दोनों बच्चों के जो बेडरूम्स हैं वो अपस्टेयर्स हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर हैं. एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द ग्राउंड फ्लोर, एट द साइड ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर, विच इफ़ यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम. एक बहुत बड़ा सा रूम है उनके ग्राउंड फ्लोर पर जिसे वो खाली छोड़ रहे हैं ताकि बच्चे उसे अपने प्ले रूम की तरह यूज़ कर सकें. आप देख रहे हो, ये सब इमेजिनरी पिक्चर्स हैं, आपके चैप्टर से नहीं है. इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन, आपको आइडिया लगाने के लिए कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा. ठीक है, तो बच्चे खुश हैं, देख रहे हैं कि इतना बड़ा घर लिया है उनके मम्मी पापा ने उनके लिए. अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे एक एक करके उन्हें घर के सारे कमरे दिखा रहे हैं. सबसे पहले वो जो गए हैं वो प्ले रूम को ही देखने गए हैं क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर है. अब एक पैसेज है, एक कॉरिडोर है जो कि अंधियारा है, डार्क है, क्योंकि अभी वो नया नया है तो शायद ढंग से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है. तो उनकी मम्मी एक कॉरिडोर से होते हुए उस प्ले रूम की तरफ उन्हें लेके जाती हैं. लेकिन वो जो प्ले रूम है वो, टॉम बता रहा है कि वो बहुत बड़ा है, लार्ज है साइज में, लेकिन वो बहुत कोल्ड और डैम्प है. डैम्प यानी कि थोड़ा मॉइस्चर, ह्यूमिड फील हो रहा है वहाँ पर. और इसके लिए उनके फादर एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये हाउस बहुत टाइम से आउट ऑफ यूज़ रहा है, इसमें कोई रह नहीं रहा था, तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी अभी काम नहीं कर रही है, यूज़ नहीं हुई हुई है. बहुत टाइम से यहाँ पर हीटिंग नहीं हुई है, जब हम लोग इसकी हीटिंग एक बार स्टार्ट कर देंगे तो ये जो कोल्डनेस है ये चली जाएगी, डैम्पनेस और कोल्डनेस. इसके बाद ये देखो बच्चे खुश हो रहे हैं इस सीन में, उस रूम को देखकर उन्हें अच्छा लग रहा है. वील हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम, टॉम फादर अज्यूम्ड अश्योर्ड मी, नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड. शडर्ड का मतलब होता है कांपना, मतलब घबरा जाना. ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, उसके पापा उसे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम, द हीटिंग हैज़ बीन टर्नड ऑफ. जो हीटिंग सिस्टम है वो उसे बंद किया हुआ है फिलहाल के लिए. देर इज प्लेंटी टू डिस्कवर एंड यू विल हैव फन फाइंडिंग आउट Where all the rooms are. अब ये घर इतना बड़ा है, इतना तुम्हें खोजबीन करने में इतना मज़ा आएगा, एक एक कमरे को तुम्हें ढूंढने में, एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा. चलो बाकी के रूम्स भी देख लेते हैं. एन आवर लेटर व्हेन वी हैड बीन थ्रू द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अप स्टेयरकेसेस एंड डाउन अदर्स एंड इन एंड आउट ऑफ अम्प्टीन रूम्स. अम्प्टीन मीन्स इतने सारे रूम्स हैं कि गिनना मुश्किल है. तो वो कह रहे हैं कि एक घंटा लग गया उन्हें पूरा घर देखने में, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, सारे कमरे, अपस्टेयर्स भी, डाउनस्टेयर्स भी, और इतने अनगिनत कमरे देखने में. तो वो ये सब देखने के बाद वापस उस प्ले रूम में लौट के आते हैं
और वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा सा लार्ज टॉय बॉक्स रखा हुआ है। तो दोनों बच्चे, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है टॉयज से खेलना, तो वो सीधा अपने टॉय बॉक्स के पास जाते हैं उसे अनपैक करने, उसमें से सारे खिलौने बाहर निकालते हैं। वो उसकी बहन जो है वो थोड़े से खिलौने बाहर निकालती है, और फिर क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई होती है, तो वो वापस ऊपर चली जाती है अपनी मम्मी से पूछने की क्यों बुलाया है। और टॉम जो है वो वहीं उस प्ले रूम में रह जाता है उसी टॉय बॉक्स के पास। तो जब टॉम उस कमरे में अकेला रह जाता है, तब उसे कुछ आवाज़ें सी सुनाई देती हैं। उसके जो थोड़े से कपड़े थे, उसका सूटकेस था, उसके और कुछ टॉयज थे, बुक्स वगैरह थी, वो बस सब ज़मीन पर ही पड़े होते हैं उसके रूम में बेड के पास। जो उसकी मम्मी है वो सारी चीज़ों की अनपैकिंग कर रही होती है। वो फिर भी अपने रूम में चला जाता है थोड़ी देर में, और वहाँ पर उसकी मम्मा जो हैं वो उसका सारा सामान उसके बेडरूम में अरेंज कर रही होती हैं। तो उसको सामान देती हैं निकाल निकाल के, फिर वो अपने क्लोथ्स जो है कबर्ड में डाल देता है। और फिर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता है। अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर जब वो देखता है, तो उसको बाहर बहुत सुंदर गार्डन लॉन नज़र आता है, जहाँ पर बहुत अच्छी सनशाइन है, धूप खिली हुई है, ब्राइटनेस है, मतलब कि घर के माहौल से बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे घर में बहुत कोल्ड और डैम्प है, अंधेरा है, ठंड है, और वहीं उल्टा उसके जो लॉन है उसमें गर्माइश है, ब्राइट सनी पूरा एनवायरनमेंट है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि इस घर से तो अच्छा ये गार्डन है। तो वो अपनी मम्मी को भी, उसकी मम्मी भी आके उसके साथ खिड़की पे खड़ी हो जाती हैं। उसने कहा कि मम्मा देखो, इस घर से, यहाँ के इकोइंग रूम्स से बेटर तो ये गार्डन है। तो उसकी मम्मी कहती हैं, इकोइंग रूम्स, क्या हो गया तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है? मैं देख रही हूँ कि तुम जब से आए हो इस घर में तब से तुम कुछ खास खुश नहीं हो। तो उसने कहा, हाँ मैं नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। उसने कहा, क्यों? कहते मुझे यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब थोड़े से दिन लग जाते हैं उन्हें सेटल होने में, उसकी बात पर इतना कोई ध्यान नहीं देता अजीब सी आवाज़ों पर जो उसने सुनी है। उसको लगता है कि वो शायद उस प्ले रूम से आ रही हैं या टॉय बॉक्स में से आ रही हैं। तो थोड़े दिन तक, तो क्योंकि अभी उन्होंने नया नया शिफ्ट किया है तो घर को सेटल करने में लगे हुए हैं, और थोड़े दिन में ऑलमोस्ट उनकी फैमिली के सब मेंबर्स जो हैं उस घर के अंदर सेटल हो जाते हैं, सारा सामान सेटल हो चुका है। लेकिन जो नैरेटर है टॉम, वो अभी भी सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि उसको अभी भी अजीब अजीब सी रोने की, कराहने की, दर्द भरी आवाज़ें आती हैं। कभी किसी के मटरिंग की या फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, और उसकी बातों पर क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो एक हफ्ता होने को आया उन्हें शिफ्ट हुए, और वो रोज़ यही बातें करता है कि अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो घर के सारे मेंबर्स जो हैं वो अब टॉम से परेशान हो चुके हैं उसकी इस बात से। मैं रीड करके सुनाती हूँ। द नेक्स्ट फ्यू डेज वी सेटल्ड इन, आई शुड से द मोस्ट ऑफ द फैमिली सेटल्ड इन, आई वॉज फार फ्रॉम सेटल्ड। आई हर्ड द क्राइज वेन एवर आई वेंट इन टू द प्ले रूम एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स, एंड ईच टाइम आई हर्ड द क्राइज आई स्क्रीम्ड। जब भी वो उस प्ले रूम में जाता था और उस टॉय बॉक्स के पास जाता था, उसको वो अजीब सी रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, और जैसे ही उसको वो आवाज़ें सुनाई देती थी वो चिल्ला पड़ता था, स्क्रीम करने लग जाता था, और अपनी मम्मी को या पापा को आवाज़ लगाता था। लेकिन जब वो बाकी सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में पहुंचते थे कि हुआ क्या है, मैटर क्या है, देखने के लिए, तो वो आवाज़ें तब तक चुप हो चुकी होती थी, बंद हो जाती थी, तो इसलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। बाय द एंड ऑफ द वीक एवरी वन वॉज मोस्ट अनॉयड विद मी। हफ्ता खत्म होने तक हर कोई उससे अनॉयड था, उससे परेशान हो चुका था। दे केम रनिंग टू द रूम वेन एवर आई स्क्रीम्ड, क्योंकि वो चिल्लाता था और वो सब दौड़े दौड़े आते थे उसकी चीख सुनकर। माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी एंड अज्यूम्ड आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन। उसके पेरेंट्स को लगता था कि ये सब वो कहानियाँ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ताकि उन लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, टॉम की तरफ जाए। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड सेड दैट वी माइट लूज द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आवर एंटरटेनमेंट इफ आई केप्ट दिस।
उसकी बहन भी उससे नाराज थी, उसने कहा कि अगर तुम इसी तरह से तंग करते रहे ना तो ये कमरा हमसे छिन जाएगा और हमें खेलने के लिए नहीं मिलेगा। अब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा और जैसे ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन सुबह उसने बहुत ही फर्मली डिसाइड किया, एक दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिन्ड हुआ वो कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं चिल्लाऊंगा। उसने अब सारा हिम्मत करेज जुटाया और उस प्ले रूम में एंटर किया। उसने वो कुछ दिनों से उस रूम में जा नहीं रहा था क्योंकि उसको पता है कि वो जब भी उसमें जाएगा उसको वो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी और वो डर जाएगा और उसकी डर पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो वो वहाँ जा ही नहीं रहा था 3-4 दिन से। फिर एक दिन उसने सोचा कि चल आज तो मैं हिम्मत करके चल ही पड़ता हूँ उस कमरे में। वो गया उस कमरे में, आज वो पूरा माइंड मेकअप करके गया था। तो आज उसने सोचा कि आज तो मैं इस मिस्ट्री का पता लगाकर ही रहूँगा कि ये अजीब सी आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं। तो वो उस कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कर्टन्स ड्रॉन हुए हुए थे, मतलब कि पर्दे गिरे हुए थे, और जो विंडो थी वो बहुत ही फॉर्मली बंद हुई हुई थी, शट थी। लेकिन जैसे ही वो उसने कमरे में एंटर किया उसको हल्का सा हवा का झोंका महसूस हुआ। ले उसने सोचा कि खिड़की तो बंद है और फ्रंट डोर भी बंद है, फिर ये हवा कहाँ से महसूस हुई? तो उसको हैरानी हो रही थी, तो यही सोच के उसने ऐसा किया कि उसने पर्दे हटाए सबसे पहले। तो फिर पर्दे हटाते ही कमरे के अंदर ढेर सारी सनशाइन आई, धूप आई कमरे में। तो इससे क्या हुआ कि उसको थोड़ी हिम्मत मिली, कमरे में रोशनी आई, धूप आई। तो लेकिन अभी भी उस कमरे में उसको ठंड फील हो रही थी, बट इट स्टिल फेल्ट चिली। द लाइट हाउएवर हैड गिवन मी सम करेज। आई अप्रोच्ड द टॉय बॉक्स क्वाइटली एंड कॉशियसली। एज आई ड्र्यू नियर आई फेल्ट द ब्रीज अगेन। अब हिम्मत तो उसके अंदर आई हुई थी थोड़ी सी, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे चुपचाप उस टॉय बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था फिर से उसको हवा महसूस हुई। लेकिन उसने अपने सांस थामे रखी और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा। अ मून फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स बट आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड डिड नॉट क्राई आउट। आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम एंड वंस इन द हॉल हेसेंड टू फाइंड माई मदर। वो जैसे ही टॉय बॉक्स के पास गया उसको फिर किसी के रोने की, हल्की सी मोन करने की आवाज़ आई, दुख में रोने की। लेकिन अब वो रोया नहीं, उसने अपनी चीख को कंट्रोल किया और सीधा कमरे से बाहर भाग के अपनी मम्मी के पास गया जो कि उस वक्त हॉल में बैठी थी। आई फाउंड मदर एंड मेटल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन। वो मम्मी और मेटल्डा किचन में केक बना रहे थे। हरी कम विद मी अर्ज्ड टॉम बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड। उसने कहा कि मम्मी और मटल्डा आप लोग जल्दी से मेरे साथ आओ प्ले रूम में, लेकिन बिना कोई आवाज़ के बिल्कुल चुपचाप आना ताकि किसी को पता ना चले। लुकिंग पजल्ड दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम। विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर टूवर्ड्स द बॉक्स। अब उसकी मम्मी और उसकी बहन जो थे वो थोड़े परेशान से थे कि क्या कह रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात मानी और उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रखकर बिल्कुल दबे पांव टिप टो करते हुए वो उस कमरे में पहुंच जाते हैं। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली। एज वी अप्रोच्ड द बॉक्स देर वॉज अ क्राई एंड देन समथिंग मम्बलिंग एन अडल्ट वॉइस सेइंग समथिंग। A further cry, followed finally by the scream which I had controlled till then, but now I could hold back no longer. अब की बार आज उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर को भी फर्स्ट टाइम एक रोने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसके बाद कुछ किसी के मम्बल करने की, फुसफुसाने की और फिर किसी अडल्ट के बोलने की हल्की सी आवाज़ आई। और उसके बाद ये सब आवाज़ें सुनकर टॉम की चीख निकल गई जो वो बहुत देर से कंट्रोल करके बैठा था। इसके बाद क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसके पापा आते हैं और वो भी वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखकर कि ये सब शांत खड़े हैं बिल्कुल हैरान से, तो वो पूछते हैं कि मैटर क्या है। तो वो सब लोग वापस बाहर लिविंग रूम में आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में और वहाँ फिर जो मदर है वो फादर को सारा किस्सा सुनाती है कि अभी हमने क्या एक्सपीरियंस किया
लार्ज रूम में। तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, यहीं बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। और वो बाहर एक कुछ एक राउंड लगा कर आता है, थोड़ी देर में वापस आता है। तो वो कहता है कि देखो मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि जहाँ पर हमारा ये लार्ज रूम है वहाँ पर दीवार में एक बहुत बड़ा सा होल है, और वो होल जो है वो उससे ही शायद जो हवा है वो उस लार्ज रूम में एंटर कर रही है। अब उस होल के आगे क्योंकि टॉय बॉक्स रखा हुआ है तो हमें वो होल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो हवा है और हवाओं की आवाज़ें हैं वो वहीं से आ रही हैं। आओ चलो हम सब चलकर देखते हैं। लेकिन उन सबको डर था कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए उसके पापा ने अपने हाथ में एक गोल्फ की आयरन रॉड ले ली। मैं आपको इसके आगे का पढ़ के सुनाती हूँ। कम विद मी ही सेड, गोइंग टूवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी हैव अ गुड लुक एट द ओल्ड स्टोर रूम्स एंड कोल्ड बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस। उसने कहा कि ठीक है अब बहुत हो गया, अब मुझे लगता है कि अब हमें फाइनली जाकर ना अब इस रूम के इस घर के बाहर जो कोल बंकर है और जो इतने भी पुराने स्टोर रूम्स हैं उनमें चलकर एक बार चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि वो किस हालत में है। आई फाउंड एन एयर वेंट इन द वॉल। एयर वेंट का मतलब है एक ऐसा छेक, जिस वेंट का मतलब होता है एक ओपनिंग जिसमें से कुछ चीज़ बाहर निकल के आ सके। तो वॉल के अंदर, दीवार के अंदर उनको एक वॉल के अंदर एयर वेंट मिलता है जहाँ से हवा पास हो रही थी। हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स वील फाइंड आउट वेयर इट गोज़। अब वो उस छेक को उस वेंट को फॉलो करते हुए जाते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, और सेफ साइड पर रहने के लिए हम गोल्फ क्लब भी ले लेते हैं। फर्दर सिलेक्टेड अ थ्री आयरन एंड लेड द वे, स्विंगिंग इट इन द एयर। वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल। अब वही ग्रेवल के ऊपर से चलते चलते जा रहे हैं और वो क्रंचिंग की आवाज़ है जो उनके पैरों से आ रही है ग्रेवल पे टच होके। पास थ्रू अ नैरो गैप इन द थिक हेज सराउंडिंग द साइड गार्डन एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम। अब वो चलते चलते एक नैरो रास्ते से, एक नैरो गैप से पहुंचते हैं जहाँ पर थिक हेज क्या होती हैं, बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं जो एक रो में लगाई उगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो उनको गार्डन से मिला है रास्ता एक उनके घर के एडजस्टन, एडजस्टन का मतलब होता है बराबर में, उनके प्ले रूम के बराबर में उन्हें एक रास्ता मिला है। अब वो उस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, ओल्ड डोर एंड विंडो फ्रेम्स, अ रस्टिंग बाइसिकल एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल एंड स्कैटर्ड ओवर दैट पार्ट ऑफ द गार्डन। अब उन्हें वहाँ पर खूब सारा मलबा, बकवास, बेकार की अनवांटेड चीज़ें मिली हैं जैसे टाइल्स का ढेर, पुराने दरवाजे, पुराना फर्नीचर, टूटा फूटा सब कुछ सामान जो वहाँ पूरे गार्डन में उनके फैला बिखरा पड़ा है। और वो सब शायद तब आया होगा जब उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा होगा। वील हैव टू गेट ऑल दिस रबिश रिमूव्ड, सेड फादर, पिकिंग हिज वे थ्रू द डेब्रीज। डेब्रीज होती हैं मलबा, जो सारा पुराना कबाड़ वगैरह है, रबिश भी उसी के लिए यूज़ किया गया है। उसके पापा कह रहे हैं कि हमें ये सारा कूड़ा फिकवाना पड़ेगा, यहाँ से सारी सफाई करवानी पड़ेगी। ऑल दिस मस्ट हैव बीन क्लियर्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट वॉज रेनोवेटेड, व्हाट अ मेस। अब उसके पापा यही सोच रहे हैं कि जब रेनोवेशन हुआ था इसकी तो सफाई तभी हो जानी चाहिए थी, अब तक ये कूड़ा यहाँ क्या कर रहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब उन्हें नीचे की तरफ दो विंडोज़ नज़र आती हैं जिनसे एक कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ एक रात जा रही हैं, रास्ता बन रहा है, और उन्हें एक सेलर डोर मिला। जैसे बाहर की कंट्रीज में इस तरह के डोर्स होते हैं बेसमेंट में थोड़ा नीचे जाकर जिनसे रास्ते आते हैं, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आपको उनमें कई बार नज़र भी आएगा।
The path to the door was clear, so it was obvious that someone had used the doorway quite recently. अब वहां का सारा रास्ता बिल्कुल दरवाजे के आगे का साफ था, तो इसका मतलब वहां पर किसी ने अभी रिसेंटली साफ सफाई करी है और वहां पर कोई आ जा रहा है, उसको यूज कर रहा है. अब उसके पापा जो थे उन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं जाकर नीचे जाकर देख कर आता हूँ. उसके पापा ने एक हाथ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो नीचे चले गए. नीचे गए तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया. अब उन्होंने दरवाजा जो था उसको अपने गोल्फ क्लब से खोला, फिर उन्होंने नॉब को घुमाया और दरवाजा जो था क्रीक की आवाज करके खुला. फिर अंदर से जो बाहर जो रोशनी थी उससे अंदर, जब दरवाजा खुलते ही बाहर की रोशनी अंदर गई तो उसको रास्ता दिखा और उसको ये दिखा कि उस रूम के दोनों साइड विंडोज हैं. देयर वॉज सम मूवमेंट इन साइड एंड फादर स्टूड बैक विद हिज क्लब रेज्ड. अब उन्हें अंदर कुछ मूवमेंट महसूस हुई तो उन्होंने अपने हथियार, जिस क्लब रोड क्लब गोल्फ जिसे वो लाए थे उसको हाथ में ले लिया कि अगर कोई अटैक करता है तो वो भी काउंटर अटैक कर सके. वी कुड हियर अ टीयरफुल वुमेन्स वॉइस. लेकिन उन्हें क्या सुनाई देता है, एक रोती हुई औरत की आवाज़. उसकी वो आंसुओं से रो रही है. प्लीज सर, वी डू नॉट मीन एनी हार्म, सॉब्ड द वुमन. अब वो यही कह रही है उसके पापा से कि सर आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे. हु आर यू एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, डिमांडेड फादर. वी हैव नो वेयर टू लिव सर, एक्सप्लेन द वुमन. वी हैव बिन लिविंग हियर फॉर सम वीक्स नाउ. उसके पापा ने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो. उसने कहा कि सर हमारे पास कोई घर ठिकाना नहीं था रहने के लिए, इसलिए हम यहाँ आकर रहने लग गए और अब हमें कुछ हफ्ते हो चुके हैं यहाँ रहते रहते. हु इज़ विद यू, आस्ड फादर. उसने कहा कि और कौन कौन है तुम्हारे साथ. माई लिटिल चाइल्ड, क्राइड द वुमन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट. उसने एक कॉट की तरफ, एक छोटे बेबी बेड की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है. विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर. वो कॉट वॉल के साथ ही रखा हुआ था. शी क्राइज अ लॉट. ये बहुत रोती है, मतलब जो उसकी बेबी है वो बहुत रोती है. एंड माई हस्बैंड जैक हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसिन. और मेरे हस्बैंड हैं जैक, वो गाँव गए हैं इस बेबी के लिए दवाइयाँ लेने, क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है. अब उनको ये तो समझ आ गया कि घर में जो आवाज़ें आ रही थी रोने की, मोनिंग की और अडल्ट की, वो शायद इसी फैमिली की थी जो कि उस एयर वेंट के रास्ते से उनके प्लेरूम तक पहुंच रही थी. अब उनकी जो हालत थी इस फैमिली की, बहुत ही ख़राब हालत थी. तो जैसे ही उस लेडी ने अपनी दुख भरी कहानी बताई, वैसे ही जो मदर थी टॉम की, उसने उस चीज़ का जिम्मा उठा लिया कि अब इनकी सिचुएशन को मैं सुधारूंगी. और इसी के साथ उनकी जो मिस्ट्री थी आवाज़ों की वो सॉल्व हो गई. वेल, द मिस्ट्री ऑफ द मोर्निंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व्ड, आई थॉट टू माई सेल्फ एज वी स्टूड देयर लुकिंग सैडली एट द रेचिड वुमन. दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ. अब उसको ये थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा था कि मेरी जो प्रॉब्लम थी, ये जो आवाज़ें आ रही थी, इसकी जो मिस्ट्री थी, ये सॉल्व हो गई है. लेकिन उसने, उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था उस वुमन को देख के, उसकी बहुत बुरी रेचिड सी हालत थी. और उसने ये सोचा कि अब चलो कम से कम ये लोग मेरे ऊपर शक तो नहीं करेंगे. इन सबको लग रहा था कि मैं सिर्फ ख्याल बना रहा हूँ, ये मेरी कहानियाँ हैं. लेकिन ये सब सच में भी उन्हें नज़र आ गया. Mother took charge of the situation immediately. 1 month later, the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house. Okay, तो एक महीने बाद वो बेबी जो था वो बहुत चहक रहा था, मतलब कि अब उसको दवाइयाँ वगैरह भी मिल गई थी, प्रॉपर केयर मिल रही थी, वो खुश था अब, क्योंकि उन लोगों को छुप कर रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो घर के असली मालिक थे उन्हें उसके बारे में पता चल गया था. तो उनकी मम्मी ने उस फैमिली की हेल्प किस तरह से की, उन्होंने उस वुमेन को अपने घर में एज अ हेल्पर, एज अ मेड जॉब दे दी और उसके हस्बैंड को, जैक को, घर में गार्डनर का और हैंडीमैन का, कुछ भी सामान लाना ले जाना है, एक हेल्पर का ही जॉब दे दिया. और वो बेबी जो था वो साथ में खेलने लगा.
और साथ ही साथ उन्होंने घर में जो भी सारा कूड़ा डेब्रीज पड़े थे और बाकी के जो पुराने स्टोर रूम्स और कोल बंकर्स थे उन सब की भी सफाई करवाई, उन सबको डैम्प प्रूफ करवाया। उसके अलावा वहाँ पे सारा पेंट वगैरह करवाया जिससे कि वहाँ की जितनी भी डैम्पनेस थी और अजीब सी स्मेल्स, अजीब सी ठंडक थी वो सब ठीक हो गई। सारा कूड़ा जो था वो घर से बाहर चला गया और उनका घर अब साफ सुथरा हो गया जिससे वो रहने लायक हो गया और अब वो घर बिल्कुल भी स्पूकी नहीं लगता था। ठीक है, द स्पूकी हाउस बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग होम, क्योंकि अब वहाँ से आवाज़ें नहीं आती थी, सारे घर में जो भी रिपेयर था वो हो गया था और अब वो घर बिल्कुल भी कोल्ड और डैम्प नहीं था बल्कि उसके ऑपोजिट वार्म और कम्फर्टिंग होम बन चुका था। सो दिस वॉज द चैप्टर, एंड जिसने भी ये रिक्वेस्ट की थी आई होप आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दिखाएंगे, इसको लाइक करेंगे और मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। एंड आई विश कि मेरे को और सब्सक्राइबर्स मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैप्टर से रिलेटेड या आपकी वैसे भी इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।